सर बोलो। सर एक चीज देख लो जरा, हाँ बताओ क्या देखना है। एक अरे देख ली देख ली सर, बोल रहे हैं 11 बजे। अच्छा 11 बजे है क्या? सॉरी हाँ 11 AM सर, लिखा है ना। सर वो मैम ने 10 दे रखा था इसलिए मैंने बोला अभी नहीं अभी के बात हो लिए। गई बेटे, 11 बजे है आपका। ठीक है सर। ओके लेट मी चेक वेदर द रिकॉर्डिंग इज ऑन। यस सो टुडेज टॉपिक और रादर द 12th लिफ्टिंग मशीन दैट वी आर गोइंग टू लर्न इज कॉल्ड एज स्क्रू जैक। स्क्रू जैक आप लोगों ने सुना है क्या इससे पहले? डू यू नो एनीथिंग अबाउट अ स्क्रू जैक? यस सर, सुना तो है ही। अब आप कुछ वीडियोस देखो जिससे कि आपको समझ में आएगा कि स्क्रू जैक होता क्या है। स्क्रू जैक इज एक्चुअली अ डिवाइस विच कैन बी फिटेड बिलो द बॉडी और द चेसिस ऑफ अ व्हीकल एज शोन इन दिस इमेज एंड देन द नट कैन बी रोटेटेड एंड बाय रोटेटिंग द नट आई विल जस्ट शो यू व्हाट इज हैपनिंग। सी पहले तो ये देखो इसको कहाँ पे लगाया है। सी दिस इज योर स्क्रू जैक, दिस इज पुट बिलो द व्हीकल एंड देन यू टेक अ लीवर एंड अटैच इट हियर एंड देन यू रोटेट द नट। नाउ सी दिस सर थ्रेडेड स्क्रीन शो नहीं हो पार्ट। रही है सर आपकी? हाँ क्या हो रहा है? नहीं, स्क्रीन शो नहीं हो रही है सर आपकी? एक सेकेंड देखने दो। अच्छा हो तो रही ये है। भास्कर ने किया था। ठीक है ओके ओके अब दिख रही है क्या? आर यस यू सर, सीइंग? ओके यस सर, यस सर, अब दिख रही है। वापस से देखो। दिस डिवाइस इज अ सिंपल स्क्रू जैक। यू पुट इट बिलो, ये देखो यहां पर इसने गाड़ी के चेसिस के नीचे इसको फिट किया, ये जमीन पे रखा हुआ है। देन ही ब्रॉट अ स्पैनर एंड ही इज गोइंग टू यूज इट एज अ लीवर टू रोटेट दिस नट। ये देखिए नाउ व्हेन ही रोटेट्स द नट यू सी दैट द थ्रेडेड पार्ट ऑफ द स्क्रू जैक इज राइजिंग थ्रू द नट एंड व्हाइल इट इज राइजिंग इट इज लिफ्टिंग द कंप्लीट कार विद इटसेल्फ। ये देखो कार की बॉडी धीरे 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 लिफ्ट हो रही है। सो यू हैव टू मेक अ लॉट ऑफ टर्न्स इन ऑर्डर टू मेक अ वेरी हैवी ऑब्जेक्ट लाइक अ कार लिफ्ट। लेकिन ये भी एक लिफ्टिंग मशीन है। सीधी सी बात है, जब ये कार को लिफ्ट कर रही है तो लिफ्टिंग मशीन ही हुई। सी दिस इज अ स्क्रू जैक। ये देखो उठ गया कार यहां से इतना। द टायर इज फ्री नाउ। जनरली वी मेक यूज ऑफ अ स्क्रू जैक टू लिफ्ट वन पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द कार एंड टू चेंज द टायर्स। कभी पंचर वगैरह हो जाती है तो पंचर इस तरह से चेंज करते हैं। ये आप लोगों को सबको पता है। और अगर आपके घर पे गाड़ी है, कार है, तो आप लोगों ने टायर चेंज भी किए होंगे। मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी नो अ डिवाइस लाइक दिस। इट कम्स इन यस सर, वेरियस वेरियस फॉर्म्स। इट कम्स इन वेरियस फॉर्म्स। एक सीजर जैक करके भी आता है, वो भी स्क्रू जैक का ही एक वेरियंट है। ठीक है, तो आज अपनी पूरी मैथमेटिक्स होगी टू डेवलप द वेलोसिटी रेशियो ऑफ अ स्क्रू जैक। यानी कि आप अपना एफर्ट लगा रहे हो। अब देखो इसमें एफर्ट कैसे लग रहा है। लेट मी जस्ट शो यू वंस अगेन। सी नाउ एज यू कैन सी द पर्सन इज गोइंग टू रोटेट दिस लीवर इन अ सर्कुलर फैशन। तो अगर ये रोटेट करेगा तो अब ये देखो एक स्क्रू जैक की इमेज यहां पर मैंने कैप्चर करके रखी हुई है। नाउ इफ ही इज गोइंग टू रोटेट इट दैट मींस द एफर्ट इज गोइंग टू कम ऑन दिस आर्म इन दिस डायरेक्शन। ये इस डायरेक्शन में इसको रोटेट करेगा। इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो ये जो स्क्रू है ये ऊपर को लिफ्ट होगा। अब आपने लोड कहां पे लगा रखा है? ये जो चीज है दिस इज योर लोड। ठीक है, तो वेट इज प्लेस्ड ओवर दिस प्लेटफॉर्म। जैसा ये बताया था, इसको आप कार के नीचे अटैच कर देते हो इस पार्ट।
एंड देन यू रोटेट इन अ सर्क्यूलर फैशन, इस तरीके से अपने हाथ को रोटेट करते हो, तो ये धीरे धीरे हर एक रोटेशन के साथ ये प्लेटफॉर्म ऊपर 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 चलता चला जाता है। तो यहां तो आ गया आपका एफर्ट, दिस इज योर पी, दिस इज योर डब्ल्यू। ओके, नाउ आई एम प्रिटी मच श्योर कि ये कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्क्रू जैक वर्क कैसे करता है। ठीक है, अब चलते हैं इसके डेरिवेशन पे। सी नाउ इन योर नोट्स, अच्छा एक बात मैं आपको अभी बता दूं, आप में से कोई एक जना थोड़ा सा जो याद सही से रख सकते हैं, मेरी तो याददाश्त बहुत खराब है, आई फॉरगेट थिंग्स वेरी इजीली। तो अभी इस क्लास के बाद ये जो नोट्स मैंने लेक्चर नंबर 15 आपको शेयर किया था, प्लीज रिमाइंड मी कि ये नोट्स मैं आपको वापस से शेयर करूं, क्योंकि इसमें मैंने कुछ करेक्शंस और चेंजेस और एडिशनल चीजें डाली है। यहां पर ये देखो नीचे ये स्क्रू जैक की डेरिवेशन में आपके कन्वीनियंस के लिए थोड़ा सा एडिशनल कंटेंट मैंने ऐड किया है। सो प्लीज रिमाइंड मी आफ्टर द एंड ऑफ दिस क्लास, अटेंडेंस लेने से पहले मेरे को ये बता देना कि सर ये जो नोट्स हैं ये आपको वापस से शेयर करने हैं आज। ठीक है, अगर मैं भूल गया तो मैं यही सोच लूंगा, मेरे माइंड में यही रहेगा कि ये तो दे दिया है आपको और ये एडिशनल पार्ट आपका छूट जाएगा। ठीक है, एंड वंस यू गेट दिस न्यू फाइल यू डिस्कार्ड द प्रीवियस फाइल दैट इज विथ यू बाय द नेम ऑफ लेक्चर 15। तो लेक्चर 15 में वापस शेयर करूंगा आपके साथ। एनीवे, अब ये टू डायमेंशनल इमेज है। Now the parameters that we will be taking is the length of the handle that we are using to rotate this nut. ये देखो, इसके ऊपर weight platform rest करता है। एक second. This is the part where the weight platform rests. ये आपका bottom पे rest कर रहा है। This is the frame और this part is called as the nut. And this is the threaded part. Now, when you rotate this handle, this whole screw is going to climb upwards. ठीक है, तो effort आपका यौन लग रहा है tangentially. ये two dimensional image है, तो इसलिए इसमें P का जो actual direction है वो आ नहीं पा रहा है. This will come somewhat like this. ऐसे यौन, मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये सामने से दिखा रखा है तो ये कैसे रोटेट होगा। ठीक है, वेट ऊपर को चढ़ेगा। नाउ इन ऑर्डर टू डेवलप द वेलोसिटी रेशियो, अपन को वेलोसिटी रेशियो डेवलप करना है। ठीक है, अगर आपसे मैं अभी इस जंक्चर पे आपसे ये पूछूं कि ये इमेज वगैरह आपने देख ली, जस्ट टेल मी व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर मैकेनिकल एडवांटेज, तो इसमें आपको कोई डेरिवेशन चाहिए ही नहीं। यू कैन सिंपली से यू आर अप्लाइंग योर एफर्ट इन अ सर्कुलर फैशन। इट डज नॉट मैटर वेदर इट इज अप्लाइड इन अ सर्कुलर फैशन और लीनियर फैशन। एफर्ट तो पी लगा रहे हो ना, तो ठीक है पी आ गया नीचे। कितना लोड लिफ्ट कर रहे हो, ऊपर कितना वेट रखा हुआ है वो ऊपर रख दो। तो मैकेनिकल एडवांटेज तो आपके पास हमेशा डब्ल्यू बाई पी होता ही है कि आप कितना वेट लिफ्ट कर रहे हो, कितना एफर्ट लगा रहे हो। बस ये दो चीजें बता दो, मैकेनिकल एडवांटेज आ गई। Now the tricky part is velocity ratio. और velocity ratio क्या होता है कि effort ने कितना distance move किया, we represent it as y. और weight ने कितना distance move किया, we represent it as x. So velocity ratio is given as effort's distance by divided by weight's distance or the load's distance, that is y by x. तो इसका एक्सप्रेशन डिराइव करना ही आज का अपना पर्पस है। एंड दिस इज अ वेरी वेरी ट्रिकी डेरिवेशन। मैं खुद ही एक दिन से इसे एप्रिहेंशन में हूं कि इसका पूरा कंटेंट आपको कैसे समझाऊं, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल है, पहले से ही बता रहा हूं। बट आई विल ट्राई टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल। कितनी भी प्रॉप्स की हेल्प से मैं इसको आपको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा। बट इफ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपको फील हो कि नहीं ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, तो आप मेरे को इंटरप्ट जरूर करें और पूछें कि सर ये पार्ट नहीं समझ में आया, तो मैं आपको दोबारा समझाऊंगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल अपना एम क्या है, वी हैव टू समहाउ कम टू अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटिंग दिस वाई अपॉन एक्स और वेलोसिटी रेशियो फॉर दिस होल असेंबली। अब देखो इसके अंदर वेट लिफ्टिंग हो कैसे रही है।
let us see the internal construction of this screw so that we understand कि ये वेट को सपोर्ट आखिर कर कौन रहा है. ऑब्वियसली ये हैंडल जो है ये तो सिर्फ घुमाने के काम आ रहा है. वेट एक्चुअली कौन सा पार्ट झेल रहा है इसका, दैट वी हैव टू सी. सो लेट अस गो टू द कंस्ट्रक्शन. दिस शोज अ सेक्शनल इमेज. ठीक है, अब देखो वेट इज केप्ट एट द टॉप ऑफ द प्लेटफॉर्म. अगर ये वेट इसको नीचे को प्रेस कर रहा है तो ये आप लोग समझ सकते हैं कि ये जो स्क्रू थ्रेड्स हैं, ये देखो ये तो आपके स्क्रू जैक के मेन स्क्रू के थ्रेड्स हैं. ये 2D इमेज में दिखा रखी है. अब सीधी सी बात है कि अगर ये थ्रेडेड पार्ट इस बॉडी के अंदर जा रहा है तो इस बॉडी के अंदर इंटरनल थ्रेड्स भी होंगे. आप लोग जानते हो ना एक्सटर्नल थ्रेड्स और इंटरनल थ्रेड्स. तो एक्सटर्नल थ्रेड्स कौन सी हो गई, ये जो थ्रेड्स दिख रही है ये तो आपके स्क्रू जैक के मेन स्क्रू बॉडी के एक्सटर्नल थ्रेड्स हो गए. लेकिन जैसे एक बोल्ट के लिए एक नट होता है, एक स्क्रू के लिए एक थ्रेडेड होल होता है, तो उसी तरीके से अगर ये पार्ट अंदर ऐसे घूम घूम के जा रहा है तो आप अपने आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस वाले पार्ट के अंदर अगर मैं एक हिडन इमेज बनाऊं इसकी, इसके अंदर क्या है, तो इसके अंदर इंटरनल स्क्रू थ्रेड्स हैं और इन इंटरनल स्क्रू थ्रेड्स के साथ में ये एक्सटर्नल थ्रेड्स मेश करती है. ये समझ में आया क्या आपको? डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर. है ना भाई, किसी भी एक्सटर्नल थ्रेड के साथ में एक इंटरनल थ्रेड तो होना ही होना होगा. अब देखो ये इंटरनल थ्रेड्स मैं इस नट के अंदर बनाने की कोशिश करता हूं, ये इंटरनल थ्रेड्स कहां है ये देखो. कैन यू सी द रेड लाइन दैट आई एम डेवलपिंग? दीज आर द इंटरनल थ्रेड्स विथ विच the external threads of the bolt or your basic screw jack are meshing. ये nut की body के अंदर के internal threads ऐसे होंगे. Right? Now I'll expand the image. ये देखो. ये red lines जो हैं ये internal threads हैं. अब आप imagine करो कि ये screw जो है ऊपर कैसे चढ़ रही है, घूम घूम के चढ़ रही है. So it is rotating. तो ये rotate कर रही है तो इसका मतलब है कि इंटरनल थ्रेड की सरफेस और एक्सटर्नल थ्रेड की सरफेस जहां पर एक दूसरे के टच में आ रहे हैं वहां पर फ्रिक्शन होगा. सीधी सी बात है, रगड़ खा रहे हैं ये एक दूसरे के ऊपर. एक तरह से ये सरफेस इस इंटरनल थ्रेड की सरफेस के ऊपर रखा हुआ ही तो है. और जब आप इसको घुमाओगे इस थ्रेड को तो ये जो दो सरफेसेस है ये ऐसे रगड़ खाएंगी जैसे आप अपने दो हथेली के एक दूसरे से चिपका के रखो और उसको आपस में ऐसे इस तरह से रगड़ने की कोशिश करो तो वो इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर सरफेस टू सरफेस फ्रिक्शन होगा. डिड यू ग्रास्प दिस कॉन्सेप्ट और नॉट? ये जो मैंने अभी बात बताई है, थोड़ा सा इमेजिनेशन चाहिए इसमें क्योंकि मेरे को ऐसा कोई एनिमेशन नहीं मिला यूट्यूब पे जो कि स्क्रू थ्रेड्स के बीच के फ्रिक्शन को एनिमेट करके दिखा रहा हो. बट डिड यू अंडरस्टैंड दिस और नॉट? आपको कॉन्सेप्ट पता लगा ये मैं क्या बोल रहा हूं कि इंटरनल थ्रेड्स और एक्सटर्नल थ्रेड्स एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं इस नट के अंदर. भाई बाहर तो फ्री है, ठीक है, नट के अंदर अंदर इंटरनल थ्रेड्स और एक्सटर्नल थ्रेड्स एक दूसरे के सरफेस कांटेक्ट में आएंगे. और अगर आप इसको रोटेट करोगे स्क्रू को तो इंटरनल थ्रेड्स की टॉप सरफेस और एक्सटर्नल थ्रेड्स की सरफेस एक दूसरे के साथ में रगड़ खाएगी रोटेशन के साथ. Do you understand this? Yes, sir. ठीक है. अब बेसिकली अगर मैं आपसे पूछूं कि ये लोड इस पे लगाया था आपने, ये लोड को सपोर्ट कौन कर रहा है? भाई हमेशा कुछ बैठने के लिए एक जगह चाहिए ना. जैसे मैं एक ब्लॉक लाया, बोला कि इस ब्लॉक का वेट है W, तो बोला यार मैं इसको कहीं रखना चाहता हूँ, तो आपने बोला कि ठीक है ये एक छोटा सा स्टूल दे रहा हूँ, इस स्टूल पे रख दो. ठीक है, आपने स्टूल पे ला करके इस वेट को रख दिया. सो नाउ द वेट इज रेस्टिंग ऑन दिस सरफेस, राइट? तो अब देखो इस इमेज में अगर मैं कार को लिफ्ट करते टाइम इसको घुमाना अगर बंद कर दूं तो क्या कार नीचे आ जाएगी? क्या नहीं आएगी? जितना आपने इसको ऊपर करके पकड़ा हुआ है, ये देखो थोड़ा सा आगे ले चलते हैं अपन. ये देखो अगर अभी मैं इस पोजिशन पे ये अपना स्पैनर हटा दूं तो कार जितना उठा हुआ है
वहां उठा का उठा रह जाएगा। इसका मतलब है कि जितना वेट है वो ये पूरी थ्रेड्स जो है उसको सपोर्ट करके पकड़ के खड़ी हुई है। नाउ इन दैट पोजिशन, दैट इक्विलिब्रियम पोजिशन, अगर आप इस इमेज को वापस से देखें तो बेसिकली मैं ये कह सकता हूं कि ये जो इंटरनल थ्रेड्स थी मेरी नट की, इनके ऊपर लोड बैठा हुआ इस तरीके से। कैसे बैठा है? ये ऊपर आपने लोड यहां रखा था प्लेटफॉर्म पे, तो ये लोड यहां रखा होने का मतलब है कि ये एक एक इंडिविजुअल एक्सटर्नल थ्रेड जो है इस लोड को नीचे रखने की कोशिश करेगा कहीं पे इस जगह से, और इवेंचुअली ये मेश हो रहे हैं इंटरनल थ्रेड्स के साथ में जाकर के। तो इसका मतलब है कि ये जो इंटरनल थ्रेड की ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये जो रखी हुई जगह है, सॉरी ये जो रखी हुई जगह है, इनके ऊपर ही आकर के लोड रेस्ट करेगा। तो अगर मैं इंटरनल थ्रेड्स को अलग से बनाऊं तो इंटरनल थ्रेड्स आपको ऐसे दिखेगी, ये नट की इंटरनल थ्रेड्स है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो पूरा लोड है ये कहां रेस्ट कर रहा है? ये यहां पे रेस्ट कर रहा है, यहां पे रेस्ट कर रहा है, यहां पे रेस्ट कर रहा है। तो इंटरनल थ्रेड्स की जो ये सरफेसेस है, ये सरफेस और ये सरफेस, जहां जहां पर भी एक्सटर्नल थ्रेड आकर के अंदर मैश हो रहा है इसके, तो यहां पर इसकी रेस्टिंग हो रही है। Got it? यहां पर वेट रेस्ट कर रहा है, यहां पर वेट रेस्ट कर रहा है, यहां पर वेट रेस्ट कर रहा है, इन सब जगहों पर जहां जहां पर भी ये एक्सटर्नल थ्रेड आकर के बैठी हुई है वहां पर आकर के, जैसे ये एक्सटर्नल थ्रेड यहां बैठी हुई है तो यहां पर वेट रेस्ट कर रहा है, ये एक्सटर्नल थ्रेड आकर के यहां बैठी हुई है तो यहां पर वेट रेस्ट कर रहा है। तो एक तरह से ये टोटल वेट जो है ये इन सारी इंडिविजुअल पोजिशंस पे आकर के रेस्ट कर रहा है, इन सब जगहों पर रेस्टिंग पोजिशंस हैं इसकी, तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो कितनी ऐसी जगह है जहां पर कॉन्टेक्ट हो रहा है, उन सब जगहों पर ये टोटल वेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या आपको सर? हाँ, जहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेड्स कांटेक्ट में आती हैं वहीं पे डिस्ट्रीब्यूशन होती है वेट की। हाँ, क्योंकि ये देखो ना, जैसे ये मैंने कॉन्सेप्ट समझाया कि आपका वेट जिस जगह पे कांटेक्ट करता है वहीं पे वेट अप्लाई हो जाता है। सो नाउ द वेट इज अप्लाइड ऑन दिस सरफेस ऑफ द स्टूल। ठीक है, अब आप देखो एक दूसरा सिनारियो देखो, मैं एक कॉन्ट्रैप्शन बनाता हूँ, इससे मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो जाएगा। ये वेट लिया और एक मैंने एक अजीब सा प्लेटफॉर्म बनाया, ये देखो इस प्लेटफॉर्म को, एक काम करते हैं इस प्लेटफॉर्म को अलग कलर से लेता हूं मैं। दिस इज अ सेपरेट प्लेटफॉर्म दैट आई डेवलप्ड टू पुट माय वेट ऑन। ठीक है, ये देखो इस तरह का एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसमें कि इस तरह के एक्सटेंशंस हैं और ये वेट यहां ऊपर रख दिया। अब इसको रखने के लिए मैं एक शेल्फ ले आया, इस शेल्फ के अंदर भी इस तरह के एक्सटेंशंस हैं। ठीक है, और उसको रखने के बाद कैसा सीन है अभी मेरे पास? नाउ आई हैव समथिंग लाइक दिस। ये मेरा वेट इसके ऊपर रखा हुआ है, दिस इज माई प्लेटफॉर्म, और उसके बाद मैंने एक शेल्फ भी बनाया और शेल्फ की एक्सटेंशंस इस तरीके से हैं। ये देखो, ठीक है, अब जैसे ही ये वेट इसके ऊपर मैं रखूंगा तो ये वाला पार्ट इसके ऊपर आके रेस्ट करेगा, ये वाला पार्ट इसके ऊपर आके रेस्ट करेगा, ये वाला पार्ट इसके ऊपर आके रेस्ट करेगा। ये क्लियर हो गया आपको ये वाला फिगर? ये देखो। यस सर। अब देखो, तो ये मैं बता रहा था आपको वेट डिस्ट्रीब्यूशन की बात। अब आपको ये सेम चीज कि भाई ये वेट इधर रखा हुआ वेट कैसे
अपने प्लेटफॉर्म के कॉन्टैक्ट्स के कारण इधर अप्लाई होगा, इधर अप्लाई होगा और इधर अप्लाई होगा। यही चीज आपको यहां पर मैं दिखाने की कोशिश कर रहा था। ये देखो, अब ये नट्स का जो आपके स्क्रू थ्रेड और आप एक्सटर्नल स्क्रू थ्रेड और इंटरनल स्क्रू थ्रेड की जो मेशिंग है वो इसी तरह का एक शेल्फ लाइक अरेंजमेंट हो जाता है जो अभी मैंने आपको समझाने की कोशिश की। ये देखो, ये वेट इसके ऊपर रखा हुआ है और ये जो एक्सटेंशन है ये सारे इस वेट को लेकर के कहीं रखने की तैयारी कर रहे हैं। अब ये रखेंगे कहां पे? जैसे ही ये थ्रेड इंटरनल पार्ट के अंदर एंटर हुए तो इनको ये शेल्फ्स मिल गई, इंटरनल थ्रेड की शेल्फ्स मिल गई इनको, ये तो इसी के ऊपर रखेंगे ये वेट को, और कहां रखेंगे? क्लियर हो गया? ये देखो, यस सर। अब यहां पर ये वेट आएगा, ये एक्सटर्नल थ्रेड अब यहां बैठी हुई है तो यहां पर ये वेट आएगा, ये एक्सटर्नल थ्रेड यहां बैठी हुई है तो यहां पर ये वेट आएगा। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है वेट्स का। सो नाउ दिस इज अंडरस्टूड कि ये वेट जो स्क्रू जैक के ऊपर आप लगा रहे हो ये आखिर बैठता कहां पर है। सो द अंडरस्टैंडिंग दैट वी हैव डेवलप्ड इज द टोटल वेट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द इंटरनल सरफेसेस, टॉप सरफेसेस ऑफ द इंटरनल थ्रेड्स। और वो चीज आपको इस इमेज में नहीं दिखेगी कि वेट आखिर जा कहां पे रहा है, बैठ कहां पे रहा है, क्योंकि ये जो इंटरनल थ्रेड्स हैं वो इस बॉडी के अंदर अभी दिख नहीं रहे हैं, वो अंदर हैं इसके इंटरनल शेल्फ्स। ठीक है, नाउ हैविंग अंडरस्टूड दिस, अब अपन ये देखना चाहते हैं कि इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन भी हो रहा है जब आप इसको रोटेट करते हो, इसको रोटेशन जब मिलता है। तो अब इसके अंदर देखो, ये जो नट, ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट दिख रहा है ना आपको, ये वाला, इसके अंदर इंटरनल थ्रेड्स हैं और इन इंटरनल थ्रेड्स पे आपकी जो ये एक्सटर्नल थ्रेड्स हैं, जब ये कांटेक्ट करेगी तो यहां पर फ्रिक्शन होगा, यहां पर फ्रिक्शन होगा, यहां पर फ्रिक्शन होगा, जहां जहां पर भी इंटरनल और एक्सटर्नल मिलकर के रोटेट करने की कोशिश करेंगे उनके बीच में सरफेस टू सरफेस फ्रिक्शन होगा। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि ये जो फिगर है ये कहां से आया। नाउ दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। एक बार ये फिगर आपको समझ में आ जाए कि इससे ये फिगर आखिर आया कहां से, तो उसके बाद नीचे का जो डेरिवेशन है ये सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री है। और ये पार्ट अगर मैं आपको ना भी समझाऊं तो भी आप लोग इतने इंटेलिजेंट हैं कि अपने आप ही समझ जाएंगे, बट आई विल फॉलो थ्रू दैट ऑल्सो। लेकिन पहले अपन ये समझते हैं कि ये जो ट्रायंगल बना रखा है ये आया कहां से। नाउ लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल टेल यू, द स्मॉल पी रिप्रेजेंट्स पिच। अब पिच जो है, मैंने अपनी प्रीवियस एक पोस्टेड वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर रखा है व्हाट इज द पिच ऑफ अ स्क्रू थ्रेड। पिच के बारे में अगर आप समझना चाहते हैं तो ये है पिच। पिच इज डिफाइंड एज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव स्क्रू थ्रेड्स, दो बगल बगल में बैठे हुए स्क्रू थ्रेड्स के बीच की जो म्यूचुअल एक्सियल डिस्टेंस है उसको पिच कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड एज पिच। ठीक है, ये देखो, दिस इज योर पिच। ये पहली स्क्रू थ्रेड, ये दूसरी स्क्रू थ्रेड का टॉप, ये दोनों आजू बाजू बैठे हैं स्क्रू थ्रेड्स, तो इनके बीच की जो एक्सियल डिस्टेंस है इसको पिच कहा जाता है। देयर इज समथिंग एल्स कॉल्ड एज अ लीड आल्सो, लेकिन लीड और पिच के बीच में जो डिफरेंस है दैट ओनली कम्स व्हेन यू हैव मल्टीपल थ्रेडेड स्क्रूज। तो डबल स्टार्ट ट्रिपल स्टार्ट थ्रेड्स की बात मैंने अपने पोस्टेड वीडियो में की थी और वो वीडियोस आपको देखनी है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो मैं यहाँ क्लास में नहीं डेवलप कर रहा हूँ, वो मैंने ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियो में पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया है। तो जिन लोगों ने वो रिकॉर्डेड एडिशनल वीडियोस नहीं देखी है, प्लीज फाइंड सम टाइम टू वॉच दोस वीडियोस बिकॉज दे आर ऑल्सो गोइंग टू कम इन योर एग्जामिनेशंस। ठीक है, तो इसको पिच बोलते हैं। पी, पिच की स्पेलिंग होती है पी आई टी सी एच, पिच। ठीक है, जनरली इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्मॉल पी। एनीवे, तो अब ये जो ट्रायंगल आपके सामने है, यहां पर तो पिच रख दिया है वर्टिकल पे, ये 90 डिग्री है, और यहां पर नीचे पाई डी रख दिया है, और एक ये अल्फा एंगल आ गया है। वी डोंट नो व्हाट दिस अल्फा इज आल्सो, तो अभी पहले अपन अल्फा को समझ लेते हैं कि अल्फा क्या चीज है। अल्फा इज कॉल्ड एज हेलिक्स एंगल।
ये सब मैकेनिकल टर्मिनोलॉजीज हैं, और इस तरह की टर्मिनोलॉजीज आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हर सेमेस्टर में आती रहेगी। यू शुड मेक इट अ पॉइंट कि ये जब जब भी नई नई टर्म्स आए तो इन सबको याद रखें। हेलिक्स एंगल किसको कहते हैं? वेन एवर यू सी अ स्क्रू थ्रेड, ये देखो, आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक अ स्क्रू थ्रेड, एक एक रफ सा एक स्क्रू थ्रेड का एग्जाम्पल बना रहा हूं मैं, और कुछ नहीं है, ठीक है? सो दिस इज द मेन बॉडी ऑफ द स्क्रू एंड दीज आर द थ्रेड्स, एंड ऑब्वियसली थ्रेड्स विल बी स्लाइटली स्लैंटेड विद द हॉरिजॉन्टल। तो ये जो एंगल होता है कि कितने स्लैंटिंग पे थ्रेड्स चल रही हैं, दिस इज कॉल्ड एज हेलिक्स एंगल अल्फा, ठीक है? इसको याद रखना। सो बेसिकली हेलिक्स एंगल और अल्फा इज द एंगल मेड बाय द स्क्रू थ्रेड्स विद रेस्पेक्ट टू द रेफरेंस हॉरिजॉन्टल एक्सिस, विच इटसेल्फ इज टेकन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द स्क्रू थ्रेड्स। यानी कि ये स्क्रू की जो मेन एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई जाए, तो उस हॉरिजॉन्टल लाइन से जो आपकी थ्रेड्स एंगल बनाती हैं उसको हेलिक्स एंगल कहते हैं, ठीक है? तो अपने इस फिगर में एक तो हेलिक्स एंगल आ रहा है, एक पिच आ रहा है। अब ये स्मॉल डी क्या चीज है? स्मॉल डी इज कॉल्ड एज द नॉमिनल डायमीटर ऑफ योर स्क्रू थ्रेड। लेट अस सी व्हाट दिस नॉमिनल डायमीटर इज, ठीक है? ये देखो, स्क्रू थ्रेड्स जब होती है, देर इज वन थिंग कॉल्ड एज द कोर डायमीटर, डीसी, ठीक है? कोर डायमीटर का मतलब ये चीज, ये जो डायमीटर है आपका, जो मेजर शैंक है जिस पे थ्रेड्स बनी हुई हैं, उस शैंक के डायमीटर को आप, ये डायमीटर, दिस इज कॉल्ड एज कोर डायमीटर, ठीक है? फिर टीओ, दैट मीन्स आउटर डायमीटर। आउटर डायमीटर कहां पे मेजर होगा? आउटर डायमीटर अगर मैं नापने की कोशिश करूं तो थ्रेड के टॉप टिप से ऑपोजिट थ्रेड के टॉप टिप तक की ये जो डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड एज द आउटर डायमीटर, डीओ। तो ये तो हो गया कोर डायमीटर, डीसी, ये हो गया आउटर डायमीटर, और इन दोनों का जो मीन है, मीन मतलब द डायमीटर विल सम कम समवेयर अराउंड, ये मैं वापस से बनाता हूं, दिस इज द कोर डायमीटर, और थ्रेड्स को मैं सिर्फ ऐसे ही बना देता हूँ लाइन से, दीज आर द थ्रेड्स। तो अगर मैं ये देखूं तो ये जो टोटल डिस्टेंस है ये तो हो गया आउटर डाया, ये जो अंदर की डिस्टेंस है ये तो हो गया कोर डाया, और इन दोनों का जो मीन, यानी कि यहां से चलेगा, ये देखो इन दोनों के बीच से एक लाइन बनाई, इधर इन दोनों के बीच से एक लाइन बनाई, दिस इज कॉल्ड एज द नॉमिनल डायमीटर और सिंपली डी ऑफ अ स्क्रू थ्रेड। और अगर आपको कभी भी कोई थ्रेड के पैरामीटर को मेंशन करना होता है तो जनरली अपन आउटर डायमीटर ऑफ थ्रेड और कोर डायमीटर ऑफ थ्रेड की बात ही नहीं करते, अपन किसकी बात करते हैं? सीधे थ्रेड का नॉमिनल डायमीटर दे देते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई कि स्मॉल डी क्या चीज है? स्मॉल डी कैन बी कंसिडर्ड एज द डायमीटर ऑफ योर एक्सटर्नल थ्रेड्स, और इन अदर वर्ड्स इट इज कॉल्ड एज द नॉमिनल डायमीटर। तो अब अपन को इस ट्राइंगल जो जो कि कंस्ट्रक्ट करना है, आपको आपका पूरा डेरिवेशन इस ट्राइंगल के ऊपर बेस्ड है, ठीक है? तो आपको स्मॉल डी समझ में आ गया, वो क्या है? आपके स्क्रू थ्रेड का नॉमिनल डायमीटर डी। स्मॉल पी क्या है? स्मॉल पी का मतलब है, अगर मैं इस इमेज को थोड़ा सा एनलार्ज करूं, ये देखो स्मॉल पी ये है, इस थ्रेड और इस थ्रेड के बीच की जो म्यूचुअल डिस्टेंस है, यानी कि बगल बगल बैठे दो थ्रेड्स के बीच की एक्सियल डिस्टेंस को पिच कहा जाता है पी, इट इज रिप्रेजेंटेड विद अ स्मॉल पी, ठीक है? ये भी हो गया। और उसके बाद अपन ने देखा कि अल्फा क्या चीज है, अल्फा इज द हेलिक्स एंगल। तो अगर अल्फा की बात की जाए,
तो ये जो थ्रेड्स की जो एंगल है, ये देखो ये हल्की सी स्लैंटिंग पे है, हल्का सा स्लैंट है इन थ्रेड्स में, तो हॉरिजॉन्टल के साथ में जो एंगल बनेगा दिस इज कॉल्ड एज द हेलिक्स एंगल। ठीक है, ये भी हो गया। अल्फा इज कवर्ड, पिच इज कवर्ड, स्मॉल डायमीटर इज कवर्ड। अब अपन को ये समझना है कि ये चीज क्या चीज है, एक बॉक्स जैसी चीज है जो कि एक स्लोप पे रखी हुई दिख रही है। ठीक है, ये पहले से ही मैं आपको बता दूं, जैसा मैंने आपको बताया था कि ये इंटरनल थ्रेड्स और एक्सटर्नल थ्रेड्स के बीच में मेशिंग हो रही है यहाँ पे। ये एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि इंटरनल थ्रेड ये रहा और ये एक्सटर्नल थ्रेड रहा, तो एक्सटर्नल थ्रेड जो है ऐसे इस इंटरनल थ्रेड के ऊपर रखी हुई है जैसे किसी शेल्फ के ऊपर कोई वेट आपने रखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो मेशिंग है आप एक तरह से ये मान लो कि ये जो एक्सटर्नल थ्रेड का इतना सा जो टुकड़ा है इसको एक बॉक्स की तरह काट लिया मैंने। ये देखो, आई एम नॉट शोइंग द कंप्लीट एक्सटर्नल थ्रेड, आई एम सिंपली शोइंग दैट अ पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल थ्रेड इज रेस्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ द इंटरनल थ्रेड, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो अभी मैं लाइन को बार बार हाईलाइट कर रहा हूं, दिस इज द सरफेस ऑफ योर इंटरनल थ्रेड ऑन विच योर एक्सटर्नल थ्रेड इज रेस्टिंग। और चूंकि आपके थ्रेड्स जो हैं वो बिल्कुल ऐसे हॉरिजॉन्टल नहीं है, उसमें हल्का सा ऐसा एक स्लोप है, और वो स्लोप क्या है, वो स्लोप बेसिकली योर हेलिक्स एंगल, दिस इज योर हेलिक्स एंगल। तो ये जो रेस्टिंग हो रही है वेट की, वो एक हॉरिजॉन्टल शेल्फ पे नहीं हो रही है, वो एक ऐसे स्लांटेड शेल्फ पे हो रही है आपके रेस्टिंग, समझ रहे हो? ये देखो ये स्लांटेड है ना सारे, तो आपके इंटरनल थ्रेड्स भी स्लांटेड है, एक्सटर्नल थ्रेड्स भी स्लैंटेड है, और स्लैंटेड वेट को स्लैंटेड शेल्फ पे रख रहे हो आप। तो बेसिकली आपका जो रेस्ट कर रहा है वेट, वो एक ऐसी स्लांटेड शेल्फ पर यो नीचे को वेट एक्ट कर रहा है, एंड हेंस दिस फिगर। ये चीज क्लियर हुई क्या आपको, जो मैंने अभी आपको समझाया है? प्लीज टेल मी, कहीं आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हो कि पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं ये? आपको क्लियर हुआ कि ये फिगर क्या चीज डिपिक्ट कर रहा है? Yes, sir. ठीक है, तो ये जो yes, टोटल वेट आपका आ रहा है, और ये एक्सटर्नल थ्रेड के थ्रू एक्ट करेगा और आपकी इंटरनल थ्रेड की सरफेस पे रेस्ट करेगा, तो ये इसलिए ऐसे दिखा रखा है कि दिस इज हाउ द वेट इज एक्टिंग ऑन अ स्लांटेड शेल्फ लाइक फिगर ऑफ योर इंटरनल थ्रेड्स। ठीक है, और ये अल्फा हेलिक्स एंगल है, शेल्फ का एंगल अल्फा हो गया क्योंकि आपके सारे थ्रेड्स जो है वो अल्फा पे इंक्लाइंड है इस तरीके से। डी हो गया, पी हो गया। अब अपन को ये समझना है कि इस ट्राइंगल में पी यहां कैसे आ गया, इस ट्राइंगल में पाई डी नीचे कैसे आ गया। ये तो समझ में आ गया कि एक्सटर्नल थ्रेड इससे दिखा रहे हो और इस स्लोप वाली लाइन को इंटरनल थ्रेड बोल रहे हो। ठीक है, और वेट नीचे को एक्ट करेगा, ये तो क्लियर हो गया होगा आपको। बट नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हाउ डज पी कम ऑन द वर्टिकल एज एंड हाउ डज पाई डी कम ऑन द बॉटम हॉरिजॉन्टल एज। तो अब इसको समझने के लिए आप ये वीडियो देखिए। आई विल स्टार्ट इट फ्रॉम द बिगिनिंग। ये वीडियो पहले से मैं आपको बता दूं कि दिस इज नॉट अ स्क्रू थ्रेड, दिस इज द वीडियो टेकन फ्रॉम अ वर्कशॉप इन विच द पर्सन इज ट्राइंग टू स्ट्रेटन अ कॉइल्ड स्प्रिंग। ये देखो, ये कॉइल्ड स्प्रिंग को इसने गर्म कर लिया है और अब ये चिमटे से पकड़ के इसने इस एक्सेस पे लगा के अभी इसको खींच रहा है, देखो। और ये एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का एक टेक्निक है जिससे कि कॉइल किए हुए स्प्रिंग्स को वापस से स्ट्रेट रॉड में कन्वर्ट किया जाता है। ये देखो, इसने पूरे कॉइल को खोल लिया है, गॉट इट? वापस से देखो, अपना पार्ट ऑफ वीडियो इतना सा ही काम का है। अब देखो, ये वीडियो मैंने इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि एक एक्चुअल स्क्रू थ्रेड को खोलने की बात आपको इमेजिन करनी है अब जाकर के। तो ये जो इमेज है जिसमें कि आप ये एक स्लोप्ड लाइन देख रहे हैं और मैंने कहा कि ये आपका इंटरनल थ्रेड है जिसके ऊपर एक्सटर्नल थ्रेड रेस्ट कर रहा है, तो ये एक लाइन कैसे बनी? ये इस तरीके से बनी जैसे कि एक, आपके स्क्रू थ्रेड्स भी इसी तरीके से होते हैं बेसिकली, एक
एक वर्टिकल शैंक के ऊपर यो 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 स्पाइरल स्पाइरल करके ही तो स्क्रू थ्रेड्स बने होते हैं। तो अब आप ये इमेजिन करना है कि अगर मैं इन स्क्रू थ्रेड्स को किसी इमेजिनरी प्रोसेस से इस बेसिक शैंक से अलग कर पाऊं, यानी कि मैं ये करने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो स्क्रू थ्रेड्स हैं ये इस तरीके से स्पाइरली इस मेन सिलिंड्रिकल बॉडी पे वाइंडिंग कर रखी है। अब मैं ये बता रहा हूं कि मैं इमेजिन करना चाहता हूं कि इस स्क्रू थ्रेड को यहां से पकड़ के मैंने खींचा और इस बॉडी के ऊपर से ये स्क्रू थ्रेड खुलती चली गई। तो जब ये खुलती चली जाएगी तो एक सर्कम्फ्रेंस के चारों तरफ, जैसे कि ये ऐसे ही हो थ्रेड इसका चक्कर काट के यहां तक आया, ठीक है, तो ये वन वाइंडिंग हो गई। तो एक वाइंडिंग को अगर मैं ऐसे फोर्स लगा करके खींचू बाहर की तरफ तो ये ऐसे खींचते 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 एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ये अर्लियर इट वॉज इन द फॉर्म ऑफ अ कॉइल अराउंड द सिलिंड्रिकल बॉडी एंड इफ आई ट्राई टू स्ट्रेटन आउट वन सिंगल कॉइल, वन सिंगल कॉइल मतलब यहां से स्टार्ट होगा, यहां घूम के गया और यहां तक आया, ये एक कॉइल हुई। इस तरह की मल्टीपल कॉइल्स से बना हुआ है, ये खूब सारी कॉइलिंग कंटिन्यूअस हो रही है तब जाकर के ये पूरा थ्रेड बना हुआ है। तो मैं एक कॉइल यानी कि एक रोटेशन ऑफ द हेलिक्स को अगर मैं पकड़ के खींच के स्ट्रेट करूं जैसा कि इस वीडियो में दिखाया गया है, लुक एट इट वंस अगेन, ये तो पूरा का पूरा पकड़ के खींच देता है, लेकिन अपन को कितना खींचना है, सिर्फ एक कॉइल। एक कॉइल मतलब देखो ये मेरा माउस दिख रहा है आपको, यहां से लेकर के सिर्फ यहां तक की डिस्टेंस जो है कॉइल की, सिर्फ उसी को अपन को खींच करके एक स्लांटेड लाइन बनानी है। देखिए वापस से ये बाहर को खींच रहा है, कैन यू सी द स्लांटिंग, ये देखो yes, जब ये ऐसा खींच रहा है तो अब मैं आपको दिखाता हूं कि हेलिक्स एंगल कहां मिलेगा इसका आपको। लेट मी सी, ये मैंने कहीं कॉपी किया था, इट इज नॉट हियर, इट हैज टू बी एट द बॉटम समवेयर। यहां पे शायद इसको कॉपी नहीं किया, बट वेट अ मिनट, नाउ सी, अब मैं आपको दिखाता हूं कि हेलिक्स एंगल कैसे बनेगा। आप जब इसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में खींच रहे हैं तो इस हॉरिजॉन्टल के साथ में ये जो लाइन आप बाहर को खींच रहे हैं, आप हेलिक्स के डायरेक्शन में ही खींच रहे हो, ये देखो दिस इज बीइंग स्ट्रेच्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द हेलिक्स ओनली, देन दिस बिकम्स योर हेलिक्स एंगल अल्फा, ये है आपका अल्फा, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गई कि ये जो लाइन है ये कैसे बनी। सो आई विल रिपीट वंस अगेन, लाइन ए सी इज एन इमेजिनरी लाइन which is actually considered to be a straight extension of one coil. ये तो पूरी ऐसे coiled है, पूरी एक के ऊपर एक, तो मैं एक single coil को अगर इस direction में खींच के expand करूं तो ये इतनी सी length पे आके रुक जाएगा क्योंकि मैंने एक ही coil लिया है। तो ये जो length है वो ही यहां पर AC के तौर पे दिखाया गया है, ठीक है। Now, this is easy to understand कि नीचे पाई डी कैसे आया, ठीक है। पाई डी इस तरह से आया, अब वापस से इस इमेज में जाते हैं अपन, ये देखो आपका एक कॉइल जो है यहां तक, ठीक है। एक कॉइल को जब आप खोलोगे तो बेसिकली आपने कितना ग्राउंड कवर किया, क्योंकि ये एक कॉइल जो है ये आपकी सिलिंड्रिकल बॉडी पे, ये देखो ये सिलिंड्रिकल बॉडी है, इधर से कॉइल आपने स्टार्ट किया, यूं आया पीछे गया, ठीक है, और पीछे जाकर के यूं वापस आया। अब ये वापस यूं आएगा आपके, ऐसे ऐसे चल रहा है, ये देखो ये फिर पीछे गया, यहां से जाकर के फिर आएगा। दिस इज हाउ द कॉइल इज ऑन द सिलिंड्रिकल सरफेस। तो एक कॉइल काटने का मतलब यहां से लेकर के यहां तक काटना, ठीक है। अब ये देखो आप ये बताओ
ऑन द सर्क्यूमफेरेंस ऑफ द सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट, ये सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, इस सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट पे आपने इसको तो स्पाइरली वाइंड कर रखा है, लेकिन डायमेट्रिकली अगर इसका मीन डायमीटर इस सिलेंडर का स्मॉल डी है या कैपिटल डी जो भी लेना चाहो, तो डायमेट्रिकली अगर मैं इसको खींचता तो ये कितनी लाइन बनती, स्ट्रेट लाइन कितनी बनती। डायमेट्रिकली खींचने का मतलब है कि आप इसको हेलिक्स की तरह खींचने की बजाय अब आप एज्यूम करो कि एक धागा आपने बस ऐसे ही और राउंड में बांध रखा है, सिंपल राउंड में बांध रखा है शांक के चारों तरफ। अब अगर इस धागे को स्ट्रेट खींचू और पूरा भार निकाल लूं एक रोटेशन के लिए तो कितना निकल के आएगा? अगर इसका डायमीटर आपका डी है और इस एक सर्कल को मैं अगर स्ट्रेट बाहर खींचू तो कितना लेंथ निकल के आएगा? पाई डी निकल के आएगा। ठीक है, तो अगर मैं एक स्ट्रेट सर्कल इसके ऊपर रोटेट करता और एक रेवोल्यूशन या एक कॉइल को बाहर खींचता तो पाई डी निकल के आता। तो वो जो हॉरिजॉन्टल बॉडी आपको दिखा रखी है ये ए बी लाइन जो है ये इसीलिए पाई डी है। ये कॉइल को बाहर नहीं निकाला है, आप ये अज्यूम करो कि सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट के ऊपर कॉइल तो यो है, लेकिन अगर सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर मैं एक स्ट्रेट सर्कल बांध देता और इस सर्कल को बाहर खींचता तो ये स्ट्रेट लाइन बनती और इस सर्कल का डायमीटर डी है तो कितना लाइन बाहर खींच के आएगा? पाई डी लाइन। पाई डी, ठीक है। तो इसीलिए अब आपको ये चीज समझ में आ गई कि एक सिंगल कॉइल को जब मैं खींचूंगा तो वो हेलिक्स एंगल पे खींचेगी और एसी लाइन बनाएगी। अगर मैं इस सिलिंड्रिकल सरफेस पे एक सिंपल सर्कल को जो जो कि वंस अगेन ये पूरा एक राउंड लगाती है इसके ऊपर, इसको अगर मैं खींचूंगा तो ये स्ट्रेट बाहर आएगी और ये पाई डी का लाइन बनाएगी। ठीक है, दिस इज योर पाई डी, दिस इज योर पाई डी, और इस लाइन से ये वाली लाइन अल्फा एंगल बनाएगी, इसमें अपन को कोई शक ही नहीं है। ठीक है, अब अपन को ये समझना है कि ये पिच कैसे बैठ गया यहां पे। फॉर दिस यू हैव टू रिमेम्बर कि ये लाइन क्या थी, ये सिर्फ आपकी एक कॉइल का एक्सटेंशन है, दिस इज ओनली अ सिंगल कॉइल। एंड नाउ गो बैक टू द डेफिनेशन ऑफ पिच। पिच का डेफिनेशन क्या होता है? पिच का डेफिनेशन होता है कि आपकी एक कॉइल से दूसरे कॉइल तक अगर मैं ट्रेवल करूं तो ये एक्सियल डिस्टेंस कितनी कवर होगी, इसको पिच कहा जाता है। ठीक है, पिच इज द एक्सियल डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव और एडजेसेंट स्क्रू थ्रेड्स। अब देखो ये पीछे से ऐसे कॉइल होता हुआ यहां पे आ रहा है, तो एक कॉइल की बात करूं तो ये ऐसे गया और यों जाकर के वापस आकर के यहां पे गया। तो अगर मैंने इस कॉइल को खोला है, इसको पकड़ के खींचा है, तो ये खींच करके यहां से लेके यहां तक की लेंथ ही तो खींच के बाहर आएगी। और जब एक कॉइल की लेंथ को बाहर खींचूंगा तो आप खुद ही देख सकते हैं कि ये कितनी वर्टिकल हाइट कवर करेगा, ये उतनी ही वर्टिकल हाइट कवर करेगा जितनी की दो कॉइल्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो फिर दिस इज नथिंग बट द पिच। ये चीज क्लियर हुई क्या आपको? यस सर, यस सर। तो अब आपको ये पूरा डिस्क्रिप्शन, आपने आज का पूरा लेक्चर ही ऑलमोस्ट खत्म हो गया इसमें, ठीक है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत ही कम किताबों में, इतना डिटेल कम किताबों में, तो क्या है, मैं तो ये कहूंगा कि किसी भी किताब में नहीं है। आप स्क्रू थ्रेड का कहीं पर भी जाकर के डेरिवेशन देखने की कोशिश करेंगे, इस फिगर के बाद में सीधा ये फिगर दे दिया जाता है, एंड इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि ये ट्रायंगल आखिर आया कहां से, नोबडी इज एबल टू एक्सप्लेन। फिर क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसको रट लेते हैं। बट आई थिंक दैट ऑल्दो ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स आर अ लिटिल बिट डिफिकल्ट टू ग्रास्प, लेकिन मैंने अभी आपको फेयरली ये समझा दिया है कि एक कॉइल को खोलूंगा तो वो हेलिक्स एंगल पे खुलेगी, तो ये अल्फा बना यहां पे, ये एक कॉइल की लेंथ है। अब एक कॉइल की लेंथ के करस्पॉन्डिंगली अगर मैं एक सर्कुलर बॉडी को खोलूं इसी बॉडी के अंदर, इसी थ्रेड के अंदर, तो वो सर्कुलर बॉडी पाई डी पे खुलेगी हॉरिजॉन्टली। और चूंकि एक कॉइल अपने हेलिक्स एंगल के बॉटम से लेकर टिप तक कितना वर्टिकल ट्रेवल करेगी, इसके दो थ्रेड्स के बीच की ये जो बॉडी का जो ट्रेवल है पी, उतना ही करेगी, तो इसीलिए ये पी हो गया। So this is also understood. फिर दूसरी बात अपन ने समझी थी
कि कॉइल के इंटरनल थ्रेड के कॉइल के सरफेस पर एक्सटर्नल थ्रेड की बॉडी रेस्ट कर रही है, तो इसलिए जो आप यहां पर वेट रख रहे हैं वो एक्सटर्नल थ्रेड्स के थ्रू इंटरनल थ्रेड पे भी रेस्ट करेगी, तो इसीलिए W इज एक्टिंग लाइक दिस। ये भी समझ में आ गया। अब बाकी की चीजें समझते हैं। अब बेसिकली एक्सटर्नल थ्रेड की बॉडी और इंटरनल थ्रेड की बॉडी एक दूसरे के ऊपर एक्चुअली रोटेशन के कारण फ्रिक्शन कर रही है, और कौन से डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी, अगर आप थ्रेड्स को खोलोगे तब तो ये बॉडी नीचे को ट्रेवल करेगी, और अगर आप थ्रेड्स को वेट लिफ्टिंग के लिए ऊपर को रोटेट करोगे तो ये एक्चुअली ऊपर को ट्रेवल करेगी। दिस इज ऑल्सो ईजी टू अंडरस्टैंड, नॉट अ वेरी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट। जैसा मैंने आपको समझाया था कि इन दोनों के बीच में रोटेशन हो रहा है और यहां पर फ्रिक्शन हो रहा है, ये देखो इस जगह पे फ्रिक्शन हो रहा है, वही चीज यहां पर बताई गई है कि फ्रिक्शन क्यों हो रहा है। एक्सटर्नल थ्रेड ऊपर मूव करने की कोशिश कर रहा है स्लाइड होते हुए इंटरनल थ्रेड की बॉडी के ऊपर, तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन कहां पर होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, म्यू इनटू आर। और ये आर क्या चीज है कि आप जितना भी लोड इस पर रख रहे हो प्लस अदर फोर्स इंटरेक्शन, अब ये पी डैश की बात और आएगी, तो उसका एक रिएक्शन आपके दोनों सरफेसेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डेवलप होगा, दिस इज द रिएक्शन आर, ठीक है। एंड प्लीज रिमेंबर, कभी भी अगर आपसे दो बॉडीज के बीच का रिएक्शन फोर्स पूछा जाए तो आपको उसके बारे में 2 सेकंड भी वेट करने की जरूरत नहीं है, यू कैन सिंपली क्लेम दैट सरफेस का जो परपेंडिकुलर होगा उसी पे ही रिएक्शन एक्ट करती है, तो ये है रिएक्शन का डायरेक्शन। तो वेट तो नीचे को एक्ट करेगी, रिएक्शन विल एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस, फ्रिक्शन विल एक्ट पैरेलल टू द सरफेस एंड ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इम्पेंडिंग मोशन, जो कि इम्पेंडिंग मोशन का डायरेक्शन ये है, यानी कि जब आप स्क्रू जैक को रोटेट करके ऊपर को चढ़ाओगे तो बेसिकली अंदर क्या हो रहा है, यानी कि एक्सटर्नल थ्रेड्स और इंटरनल थ्रेड्स के बीच में जो फ्रिक्शन हो रहा है वो इस तरह से हो रहा है कि आपकी जो एक्सटर्नल थ्रेड है वो ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही है स्लाइड होते हुए इसके ऊपर, तो फ्रिक्शन नीचे को होगा, और इस फ्रिक्शन को ही कम करने के लिए अपन लोग इसके अंदर ग्रीस वगैरह लगा के रखते हैं, सो दैट दिस कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज रिड्यूस्ड, म्यू, म्यू इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दीज रबिंग बॉडीज, ठीक है। अब एक बात और रह गई, ये पी डैश क्या चीज, और ये पी डैश कौन सी अजीब सी फोर्स है जो यूं एक्ट कर रही है, ठीक है। क्या पी डैश को छोड़ करके बाकी सारे फिगर्स इस ट्राइंगल में आपको क्लियर हो गए क्या, पिच कैसे यहां रखा है, पाई डी कैसे यहां रखा है, एल्फा कैसे यहां रखा है, वेट नहीं। हाँ सर, वो पिच वाले समझ में नहीं आया सर, ये हाइट कौन सा, ये पिच वाला, हाँ सर पिच का देखो ऐसा है, मैं ये सिलेंड्रिकल बॉडी है ये जो दिखा रखी है, ठीक है, इसके ऊपर आपकी थ्रेड्स हैं, तो थ्रेड्स कैसे है, यो आई ऐसे ऐसे थ्रेडिंग कर रखी है इसके ऊपर हिलिक्स, ठीक है। तो अब बेसिकली ये देखो ये यो जा रहा है, इसको कहते हैं पिच। पिच का डेफिनेशन क्या है कि कोई सी भी दो पड़ोस की थ्रेड्स के बीच में जो एक्सियल डिस्टेंस है उसको पिच कहते हैं, ये तो क्लियर है। अब मैंने कहा कि आपको एक कॉइल खोलनी है, ये तो कितने कॉइल हो गए, मैं यहां से स्टार्ट करूं तो ये देखो एक दो, दो तीन, इसी तरह से चलता जाएगा, चार पांच ऐसे चलता जाएगा, लेकिन मैंने कहा कि अपन को एक कॉइल खोलनी है, तो आप बेसिकली यहां से एक कट लगाओगे और यहां से एक कट लगाओगे, और ये जो चारों तरफ लिपटी हुई कॉइल है इसको जैसा मैंने वो वीडियो में दिखाया था, आपने वो वीडियो देखा होगा अभी, ये वाला ऐसे पकड़ के जैसे खींचते हैं उसी तरीके से खींच के आप एक कॉइल को बाहर को खोलो, ठीक है। तो अब एक कॉइल खुल गई तो ये ऐसे ये जो लिपटा हुआ था एक कॉइल ये बाहर की तरफ खुल गया। अब आप ये खुद ही बताओ कि अगर हॉरिजॉन्टल से मैं इस टिप से लेकर के हॉरिजॉन्टल तक की डिस्टेंस मेजर करूंगा तो क्या ये इस पिच के बराबर ही नहीं होगा, यस सर। अब क्लियर हो गया, किसने क्वेश्चन पूछा था, यस सर।
तो इसीलिए ये पिच यहाँ पर वर्टिकल डिस्टेंस के तौर पे दिया हुआ है। और ये क्या है, ये एक कॉइल को खोल के जब मैं पकड़ रहा हूं तब ये एसी लाइन बनी हुई है और ये हिलिक्स एंगल बनाएगी। दिस इज योर हिलिक्स एंगल। हिलिक्स एंगल बेसिकली क्या है, आपके ये कॉइल एक दो तीन चार ऐसे लिपटे हुए हैं एक दूसरे के साथ में, तो ये कॉइल की जो टेंजेंशियल लाइन है इसको अगर आप फॉलो करो तो ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, यही हिलिक्स एंगल होता है और कुछ नहीं है। तो आप जैसा मैंने कहा था कि इस कॉइल को खोलना है खींच करके, तो सीधे खींच के इसके टेंजेंशियली खोलोगे तो ये अल्फा पर ही खुलेगी, और कहां पे खुलेगी, ठीक है। तो अल्फा हो गया, पिच हो गया, पाई डी हो गया, दिस इज डन, दिस इज डन, दिस इज डन, डब्ल्यू इज डन, म्यू आर इज डन, रिएक्शन परपेंडिकुलर रहेगी, ये भी आपको पता है। तो अब मेरे ख्याल से सिर्फ एक ही अननोन क्वांटिटी रह गई कि ये पी डैश कौन सी फोर्स है, ये कहां से आई और ये यों क्यों लग रही है। एम आई राइट और नॉट, क्या इस पी डैश को छोड़ के बाकी सारी क्वांटिटीज आपके माइंड में एक्सप्लेन हो गई है? ठीक है, अब अपन इस पी डैश पे आते हैं। ठीक है, अब देखो इस फिगर पे वापस आते हैं, लेट अस कम टू अ कन्वीनियंट फिगर। ओके, लुक एट दिस वीडियो नाउ। थ्रू जैक, अ टाइप ऑफ जैक दैट कंसिस्ट ऑफ अ थ्रेडेड सिलेंडर दैट इज मूव्ड अप और डाउन व्हेन द हैंडल ऑफ द जैक इज टर्न्ड। Screw jack is a combination of a screw and a lever. Screw jack works on the principle of screw. Mechanical advantage of screw jack. When an effort is applied to the handle, the effort moves in a circle of radius d, while d is the length of the rod, and the block b moves up equal to the pitch of the screw jack. If the handle is turned through one complete revolution in a circle of radius d, the effort moves through a distance 2 pi d, and consequently the load is raised through a height h. Hence, the mechanical advantage is given by ma is equal to 2 pi d by h. ma is equal to distance through which the effort is moved by height through which the load is raised. We know that the pitch of the screw is very small as compared to the... ये बेसिकली वही चीज रिपीट हुई है जो अपन ने अभी तक समझी है, ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं समझाना चाहता था आपको, मैं तो ये बताना चाहता हूं कि अगर मैं यहां से एक एफर्ट लगाता हूं, देखो एफर्ट को रोटरी डायरेक्शन में लगाना है, तो मैं एफर्ट को ऐसे टेंजेंशियली लगाता हूं तो ये लीवर तो यहां रोटेट करेगा, ठीक है। और मैंने एफर्ट लगाया पी, अब इसके अंदर आप ये अज्यूम करो ये इंटरनल थ्रेड्स इसके अंदर हैं और ये एक्सटर्नल थ्रेड्स जो हैं वो इंटरनल थ्रेड्स के साथ में मेश करके बैठे हुए हैं, यानी कि दे आर रेस्टिंग ऑन द इंटरनल थ्रेड्स लाइक दे आर रेस्टिंग ऑन शेल्फ्स। एक शेल्फ पे जैसे रेस्ट कर रहे हैं वैसे इंटरनल थ्रेड्स पे रेस्ट कर रहे हैं। तो अब मेरा ये कहना है कि आप तो बाहर से लीवर को घुमा रहे हो यहां पर पी फोर्स लगा कर, लेकिन यहां पर जो एक्सटर्नल थ्रेड्स इस इंटरनल थ्रेड के ऊपर रोटेट करेगी, यहां पर जो फोर्स लगेगा अंदर, क्या वो भी पी ही होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इन अदर वर्ड्स, अब टू डायमेंशनल इमेज पे आ जाओ आप। ये देखो ये लीवर आर्म है और आपका एफर्ट जो है वो यों लगेगा टेंजेंशियली इस डायरेक्शन में। तो मेरा ये कहना है कि अगर मैं इधर एक्सटर्नली पी फोर्स लगाता हूं तो यहां पर जो रोटेशन की फोर्स मिलेगी इसी डायरेक्शन में, क्या ये भी पी होगी क्या? यानी कि द फोर्स विच इज कॉजिंग द एक्सटर्नल थ्रेड्स टू स्लाइड ओवर द इंटरनल थ्रेड्स इनसाइड द नट, विच इज ऑल्सो हैविंग द सेम डायरेक्शन as that of the force externally applied on the lever, यानी बाहर आप जिस direction में lever पे force लगा रहे हैं उसी direction में अंदर nuts के ऊपर motion के लिए force generate होगी, लेकिन इन दोनों के बीच में distance देखो, इस axis से
इस फोर्स का डिस्टेंस तो सिर्फ इतना सा ही है, लेकिन इस एक्सिस से इस फोर्स का डिस्टेंस इतना ज्यादा है। तो यहां पर मोमेंट्स का प्रिंसिपल आ जाएगा कि बाहर आप जो फोर्स लगा रहे हो वो फोर्स नहीं होगी जो यहां अंदर लग रही है। एक्चुअली जो यहां अंदर लगने वाली फोर्स है वो इस बाहर लगने वाली फोर्स से कई गुना ज्यादा होगी। अब अगर आपको ये समझ में आ गया तो जरा बताइए मेरे को कि ये कॉन्सेप्ट पहले बताओ, ज्यादा कम की बात अपन बाद में करेंगे, पहले ये सिर्फ ये मेरे को बता दो कि एक्सटर्नली लीवर के ऊपर अगर मैं फोर्स लगाता हूं, वापस से लेट अस गो टू द थ्री डायमेंशनल इमेज, सी कि एक्सटर्नली जब मैं लीवर पे फोर्स पी लगाता हूं तो अंदर भी ये जो रोटेशन हो रहा है एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेड्स के बीच में एक ऐसी ही फोर्स जनरेट होगी, डायरेक्शन उसका वही होगा, बट दिस इज हैपनिंग एट अ डिफरेंट प्लेस एंड दिस इज कॉल्ड एज पी डैश। तो जिस डायरेक्शन में आप पी लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में ये पी डैश जनरेट होगा, लेकिन ये पी डैश जो है ये पी के बराबर नहीं होगा, दिस विल नॉट बी इक्वल टू पी। Why? Because they are not applied at the same diameter. They are applied at different diameters. Capital P जो आप actual effort लगा रहे हैं वो इस diameter पे लग रही है, और small d sorry small और P dash जो लग रही है वो यहाँ पर इस diameter पे लग रही है, this diameter. तो इतनी सी distance पे center से आपकी P dash लग रही है और center से इतनी distance पे आपकी P लग रही है, इस कारण से ये P जो है ये P डैश के बराबर नहीं होगा। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई क्या आपको? तो अब देखो ये बेसिकली ये इस हैंडल का इस तरीके से बताया गया कि आप परपेंडिकुलर टू द पेज यहां P लगाएंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर जो थ्रेड्स के ऊपर जो फोर्स आएगा दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, ये P डैश है और ये P है। ये समझ में आया क्या आपको? I know it's a little bit difficult to grasp, but by chance किसी को समझ में आ गया हो तो बता दो और नहीं आया तो अपन next class में यहां से pick करेंगे, P dash से लेकर के pick करेंगे। I'll try to find some other innovative ways to explain it to you. ठीक है, anyway let us take the attendance. People are present.